हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम आज चालू कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स एज रेट मेजर। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो एससीवी में दे रखा है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। 10th में आपने हो सकता है करा हो या नहीं करा हो। स्ट्रेट लाइन्स जो होती है वो किसी किसी में 10th में होती है, किसी किसी में नहीं होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ स्ट्रेट लाइन के बारे में, और उसके के अंदर भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में। जैसे हम इसको बोलते हैं ग्राफ, ये एक्स और वाई का ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन जनरली मान लो ऐसे है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अगर मैं दो पॉइंट्स बनाता हूँ यहाँ पे, तो इन पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ ये एक्स वन होगा, ये एक्स टू होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाई वन होगा, ये वाई टू होगा। एक और चीज़, एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वाई वन होगा, एक्स टू के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वाई टू होगा। जैसे कंसिडर टू क्वान्टिटीज वाई एंड एक्स इंटर रिलेटेड इन सच ए वे दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। मतलब दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कुछ तो, कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू, उसको अपन ग्राफ बोलते हैं, उसको अपन एक फंक्शन बोलते हैं। वापस से वो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं अपन, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना अभी के लिए। यार लो कि एक्स में कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया अपन ने, तो एक्स को टू डालेंगे तो वाई की पूरी वैल्यू आएगी, एक्स को अपन थ्री डालेंगे तो वाई नाइन ही आएगा। तो एक्स की यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी स्लोप, अगर मैं ये बताऊं, अगर मैं ये एंगल थीटा लिख देता हूं, तो बेसिकली यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है वाई टू माइनस वाई वन, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर मैं ये थीटा लिखता हूँ और इस ट्राइंगल को देखता हूँ, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, इसकी अगर मैं स्लोप बोलूँ, स्लोप इसकी अगर मैं टेन थीटा निकालूँ, टेन थीटा, तो इसका टेन थीटा क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन का मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा का मतलब चेंज बोल दो या फिर डिफरेंस बोल दो, और डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन जो होता है, वो टेन ऑफ थीटा के बराबर आता है। और इस टेन थीटा को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्यों बोलते हैं, स्लोप का मतलब फिसल फिसल पट्टी मान लो, फिसल पट्टी मतलब जो तुम स्लोप होती है, जो तुम बचपन में जिसके ऊपर फिसला करते थे ना, हो सकता है फिसले अगर तुम्हारा बचपन अच्छा रहा हो थोड़ा बहुत, है ना, मैं तो बहुत फिसला था। तो स्लोप जो होती है वो क्या होती है, फिसल पट्टी होती है। अब ये मान लो कि एक तो ये बुक है, ये बुक है ना, इसको फिसल पट्टी मान लो, एक बच्चा है जो ऊपर चढ़ा। अब स्लोप ऐसे होगी तो ज्यादा फिसलेगा पुस, ऐसे होगी तो कम फिसलेगा, ऐसा होगा तो फिसलेगा ही नहीं। तो इसको अपन बोलते हैं जीरो स्लोप, इसको अपन क्या बोलते हैं जीरो स्लोप, और ये इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट स्लोप। और बाकी जितना ज्यादा स्लैंट होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। अब तुम ये भी देख सकते हो, टेन थीटा, थीटा जितना ज्यादा बड़ा होगा, थीटा जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही टेन थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, उतना ही स्लोप बढ़ जाएगा। एक ये चीज हुई, स्लोप समझ में आ गया। अब स्लोप समझ में आ गया तो अपन डिफाइन करते हैं कुछ चीजों को। नहीं, अपन अपन करते हैं कि स्लोप के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, है ना। एक तो जैसे ये क्या है सर, जीरो स्लोप। ये क्या है, ये लाइन नहीं, ये लाइन है। ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स अपन बना सकते हैं। तो तुम देख रहे हो कि ये तो जीरो स्लोप हो गया, ये इन्फिनिटी स्लोप हो गया, है ना। इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, अब वो मुझे इतना पता नहीं कि इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड क्या होता है, इतना मच मच में नहीं पढ़ना, बट इन्फाइनाइट जा रहा है स्लोप, फुस एकदम इन्फाइनाइट है ना। थीटा को जो भी तुम लोगे ना, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लोगे, तो हमेशा मैं एक्स एक्सिस यहाँ बनाऊंगा, हमेशा एक्स एक्सिस में यहाँ बनाऊंगा, है ना। तो दो ही तरह की लाइन बना सकता हूँ मैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इस केस में जो थीटा आएगा और इस केस में जो थीटा आएगा, मतलब ये लाइन मैं ऐसे बना रहा था वैसे तो, बट ये यही हो गया वापस से, ठीक है ना। तो इस केस में जो थीटा आएगा और इस केस में जो थीटा आएगा, ये जो थीटा है इसका जो ये थीटा है ये एक्यूट है, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप टेन ऑफ एक्यूट एंगल, टेन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, वन होता है फॉर एग्जाम्पल। टेन ऑफ एक्यूट एंगल क्या होगा, टेन ऑफ एक्यूट एंगल क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इसलिए इस स्लोप को अपन पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप, है ना। ये इन्फिनिटी हो गया, ये जीरो हो गया, और ये टेन थीटा क्या है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। टेन ऑफ थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव रहता है, नेगेटिव क्यों रहता है, मैं समझा चुका पहले लेक्चर देख लेना मेरे, कि अगर तुम एक सर्कल लेते हो तो टेन थीटा क्या होगा इस केस में, जैसे मैं ये वाला एंगल ये वाला बना रहा हूँ ना, तो ये वाला मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये थीटा है, तो टेन थीटा क्या होगा इस केस में, कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब ये जो बेस है वो नेगेटिव है, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, लेकिन बेस नेगेटिव में, तो टेन ऑफ थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री में। मतलब टेन ऑफ, अगर मैं 135 की बात करूं तो माइनस वन होता है, ठीक है ना। तो जो टेन ऑफ ये क्वांटिटी होगा, थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज के लिए टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस केस का टेन ऑफ ऑब्ट्यूज क्या होता है, टेन
टेन ऑफ एप्टीट्यूड होता है नेगेटिव, तो ये स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव। इतना और याद रखना है कि एक स्लोप पॉजिटिव होती है, एक स्लोप नेगेटिव होती है। जब वो ऊपर लेके जाएगा तुमको, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ऊपर लेके जाएगा उस तरफ, है ना, तो पॉजिटिव होगी। और जब वो तुमको नीचे लेके जाएगा, नीचे इस तरफ नहीं, नीचे उस तरफ, हमेशा आगे की तरफ देखा करो, आगे की तरफ मतलब उस तरफ, कॉपी में लिखते वक्त उस तरफ जा रहे हो ना तुम, तो उस तरफ जाते जाते जब तुम ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, और उस तरफ जाते जाते जब तुम नेगेटिव जाओगे तो मतलब नीचे जाओगे तो नेगेटिव होगा। तो देखो इस एक्स के बढ़ने के साथ साथ हम अगर राइज कर रहे हैं, एक्स के बढ़ने के साथ साथ अगर हम ऊपर जा पा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा स्लोप, और एक्स के बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है ना, एक्स के बढ़ने के साथ साथ अगर हम नीचे जा रहे हैं, एक्स के बढ़ने के साथ साथ अगर हम नीचे जा रहे हैं तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये है एक स्लोप की बात। स्लोप का मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर मेरे को दो पॉइंट पता है कोई भी, तो मैं उन दो पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्लोप डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये तो एक नहीं एक बात हुई। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अपन देखते हैं आगे, अब क्या बोल रहा है ये। अब स्ट्रेट लाइन तो सिंपल है, दो पॉइंट्स निकाल लो। अब मान लो एक कर्व है, ये जैसे कर्व है, जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व हो सकता है, जैसे मान लो कोई भी कर्व है, जैसे ये कर्व है एक ऐसा। अब मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट लेना है और इसको मेरे को कनेक्ट कर देना है। ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट एक्स टू है, बट एक्स टू को मैंने ऑलरेडी एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसको मैं एक्स वन लिखता, इसको मैं एक्स टू लिखता, तो वैसे भी मैं क्या लिखता, इसको एक्स टू माइनस एक्स वन को डेल्टा एक्स लिखता ना, इन दोनों का जो डिफरेंस वो डेल्टा एक्स के बराबर है। तो मैंने एक पॉइंट एक्स लिया, एक पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिया, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वाई आएगा, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो वापस से स्लोप क्या हो गई इस लाइन की, इस लाइन की स्लोप हो गई, इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या हो गई, इस लाइन की स्लोप हो गई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। तो वही टेन थीटा के बराबर है, ये डेल्टा वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, डेल्टा एक्स है, ये थीटा है। तो अगर ये थीटा है, ये अंदर थीटा है, स्लोप क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, आगे चलें। अब इसमें क्या बोल रहा है कि लेट एक्स बी चेंज्ड बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा एक्स। एक्स को अपन ने थोड़ा सा आगे कर दिया डेल्टा एक्स से, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई भी डेल्टा वाई, तो वाई को भी अपन ने थोड़ा सा आगे कर दिया। मैंने फिगर में थोड़ा बड़ा दिखाया है क्लैरिटी के लिए, बट इसके अंदर भी देखो बड़ा ही दिखाया है वैसे तो, है ना, ज्यादा छोटा नहीं दिखाया। वी कैन डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, अब इस चीज को अपन ये भी बोलते हैं। देखो जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड को क्या बोलते हो तुम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है ना स्पीड। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वैसे ही अपन कोई भी चीज होती है ना, जैसे जैसे मान लो तुम्हारा है ना 5 किलो वजन बढ़ गया 2 महीने में, तो तुम्हारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेट क्या है, डेल्टा वेट अपॉन डेल्टा टाइम, मतलब कि 2.5 kg पर मंथ, है कि नहीं। तो कभी भी रेट हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, ये स्लोप भी है, ये टेन थीटा भी है, और इसको और क्या बोल देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डब्ल्यू आर टी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा हम इसको बोल देंगे, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब बोलते हैं फिजिक्स में ऐसा, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको पास लेके आएंगे। पास लेने से क्या होगा, यार ये ऊपर चला गया। अब देखो इसमें पढ़ो, व्हेन एक्स चेंजेस बाय डेल्टा एक्स, वाई चेंजेस बाय डेल्टा वाई, सो दैट द रेट ऑफ चेंज सीम्स टू बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर अपनी रेट आ गई, लेकिन एक्चुअली में ये, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे ऐसे क्यों, क्योंकि स्लोप तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ठीक है। स्लोप कौन सी, इस लाइन की स्लोप, टेन थीटा भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, ठीक है। लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी जो कर्व है वो डिफरेंट डिफरेंट रेट से चेंज हुआ है। देखो अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे रेट ऐसे है, फिर यहाँ पे रेट अगर मैं और छोटा कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे तो ऐसा आएगा ना लाइन, फिर यहाँ पे ऐसा आएगा, तो यहाँ पे लाइन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट स्लोप हो गया एक्चुअली में। तो इसमें इसीलिए लिखा हुआ है, बहुत अच्छे ब्यूटीफुली एक वर्ड का यूज करा है, सीम्स वाई द व्हेन एक्स चेंजेस बाय डेल्टा एक्स, वाई चेंजेस बाय डेल्टा वाई, सो दैट द रेट ऑफ चेंज सीम्स टू बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। भाई अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता, स्ट्रेट लाइन में तो मैं बोल देता कि इन दो पॉइंट्स के बीच में और यहां से यहां तक जो रेट चेंज हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बट ये अब मैं एक कर्व बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे एक कर्व है, मान लो है ना, ऐसे एक कर्व है। तो अगर ऐसा एक कर्व है तो एक्चुअली में तो कर्व के अंदर भी रेट काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज हो रही है ना। तो एक्चुअली में ये नहीं है, ये क्या बोल रहा है, रेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक्चुअली में तो स्लोप ऑफ लाइन है ए बी, जो कि टेन थीटा के बराबर है। हाउएवर
दिस कैन नॉट बी द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द रेट बिकॉज द रेट ऑल्सो वेरीज बिटवीन द पॉइंट सी एंड बी. इन दो पॉइंट्स के बीच में भी रेट वेरी हुआ है. द कर्व इज स्टीवर एट बी. यहाँ पे कर्व स्टीप है, इसको बी पॉइंट नाम दिया था, इसको ए पॉइंट, देन एट ए. यहाँ पे कर्व स्टीप हो गया, यहाँ पे कर्व कम स्टीप है. दस टू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स से एट ए. अगर हमको ए पे ही निकालनी है रेट ऑफ चेंज क्या है, तो मुझे इस पॉइंट को खींच के और छोटा करना पड़ेगा. मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में ही अपना लाइन बनाना पड़ेगा, ये वाला. मतलब इसको जूम करो 100 गुना, फिर तुम्हारे पास इतना सा पोर्शन आएगा. इतने से पोर्शन के अंदर बी को और पास लेके आओ, तभी तो यहाँ की रेट ऐसे निकाल पाएंगे अपन. नहीं तो ये रेट तो ऐसे निकल के कुछ भी निकल सकती है बीच में, ठीक है. बिकॉज द रेट ऑल्सो वेरीज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. द कर्व इज स्टीपर एट बी देन एट ए. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एट ए पॉइंट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स से एट ए. ए पे निकालने के लिए वी हैव टू टेक डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल. इसी को अब पढ़ने की जरूरत नहीं होती फिजिक्स में. इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल बोलते हैं. इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल कितना स्मॉल है डेल्टा एक्स. जैसे मान लो एक्स का वैल्यू 2 ले लिया, तो डेल्टा एक्स कितना होगा. डेल्टा एक्स होगा 0.00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 0
तुम जितना छोटा नंबर बोल सकते हो, जीरो नहीं होगा। बस जीरो क्यों नहीं होगा, जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने पे तो पॉइंट सेम हो जाएगा। बट अगर मेरे को एक्स को टू लिया तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लूंगा मैं, 2.00000000000, 1 साल से बैठ के काउंटिंग करो, लास्ट में बस एक वन लगा देना, तो वो दूसरा पॉइंट बोलूंगा। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैक्सिमिस्टल लॉ, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट है ये। बट एस सी वर्मा में वो लैंग्वेज यूज नहीं करी, इन्होंने बोल दिया बस वी हैव टू टेक डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल, हाउएवर स्मॉल वी टेक डेल्टा एक्स एज लॉन्ग एज इट इज नॉट जीरो। जीरो नहीं करना है, जीरो नहीं करेंगे, जीरो करेंगे तो यही पॉइंट आ जाएगा, फिर तो अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। द रेट मे वेरी विद इन दैट स्मॉल पार्ट ऑफ द कर्व, हाउएवर इफ वी गो ऑन ड्रॉइंग द पॉइंट बी क्लोजर टू ए, बी को हम और पास लाते गए और पास लाते गए, एंड एवरी टाइम कैलकुलेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वी शैल सी दैट डेल्टा एक्स इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर द स्लोप टेन थीटा ऑफ द लाइन ए बी अप्रोचेस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए। अब टेंजेंट पढ़ा होगा तुमने, सिकेंट पढ़ा होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि बी को जितना पास लाएंगे तो मेरे पास अब ए पॉइंट यहाँ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ जाएगा, तो मैं ये बनाऊंगा ऐसे, ये मेरे पास स्लोप आएगा नया, इसको थीटा डैश बोल दो, और ये जो स्लोप होगा ये ए पे जो टेंजेंट है उसी का स्लोप होगा। तो मैं इसको कभी कभी ऐसे भी पढ़ाता हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, है ना। टेंजेंट पता है ना क्या होता है, टेंजेंट सर्किल में पढ़ी होगी 10th क्लास में, लेकिन एक्चुअली टेंजेंट वो होता है जो किसी भी कर्व को, सर्किल के लिए जरूरी नहीं है, किसी भी कर्व को टच करता हुआ जा रहा है उसको अपन टेंजेंट बोलते हैं। एक्चुअली दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है सीकेंट, सीकेंट का मतलब जो दो जगह कट करता हुआ जा रहा है, एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब जो ए की पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है। तो ये तो अपन ने क्या निकाला था, एक तरह से सीकेंट का स्लोप निकाला था ना, लेकिन सीकेंट के दो पॉइंट्स को अगर मैं बहुत पास ले आऊंगा तो सीकेंट की टेंजेंट बन जाएगी मेरी। सीकेंट के दो पॉइंट्स को मैं अगर बहुत पास ले आऊंगा, जैसे इस पॉइंट को अगर मैं बहुत पास ले आऊंगा तो ये जो दो पॉइंट्स है वो इतने पास, इससे भी इसको भी 100 गुना जूम करके उसको भी और छोटा कर दो, तो एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट जस्ट बहुत पास में ले लिया, तो टच ही हो गया ना एक तरह से, अब कट नहीं हो रहा, टच ही हो रहा एक तरह से। भैया एक है ना ऐसे सर्किल भी बना के देख लो, इसको तो अपन बोलते हैं कॉर्ड बोल लो, सीकेंट बोल लो। अब ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, यहाँ लिया हो इसको और पास आ गया, और पास कर दो यहाँ आ गया, और पास कर दो यहाँ आ गया, अभी भी देखो कट हो रहा है। अब ऐसा कर दो, इस पॉइंट को तो यहाँ लिया था ना और इस पॉइंट को यहाँ ले लो, अब देखो ऐसा जब करोगे तो ये तो टेंजेंट ही बन गया ना एक तरह से। तो सीकेंट क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है जब हम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइटली स्मॉल कर देते हैं, वेरी स्मॉल कर देते हैं ना। तो यही बोला हुआ है कि ए बी अप्रोचेस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए, दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए दस गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए। अब मैं बोल सकता हूं कि ए पे स्लोप क्या है, अब मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए। अब ये टेन ऑफ थीटा के बराबर होगा, अब ये स्लोप के बराबर होगा, किसके स्लोप के बराबर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर, और डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों का वैल्यू बहुत छोटा ले लिया, बहुत छोटा ले लिया। दिस रेट इज डिनोटेड बाय डीवाई अपॉन डीएक्स। तो डीवाई अपॉन डीएक्स क्या है, डीवाई अपॉन डीएक्स एक डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को बोलने का तरीका है। अब भी डीवाई अपॉन डीएक्स भी क्या है, dy upon dx भी क्या है, tan of theta के बराबर है, अब भी स्लोप के बराबर है, और अब तो ये रेट ऑफ चेंज, यहां देखो मैंने सिमिलर का मतलब लगाया, एक्चुअली इक्वल नहीं है, अब ये रेट ऑफ चेंज के बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एट a मान लो, अगर तुम dy upon dx कैलकुलेट कर रहे हो एट a पे, तो dy at dx at a is equal to tan theta at a is equal to slope at a is equal to rate of change of y with respect to x at a, और यहाँ पे अपने delta y upon is equal to ये delta y upon delta x भी है, बस इसके साथ में अपन लिख देंगे provided
प्रोवाइडेड डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अपन ने नया नाम दिया किस चीज को, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को ही नाम दिया है अपन ने, स्लोप को ही नाम दिया है अपन ने, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही नाम दिया, टेन ऑफ थीटा को ही नाम दिया है। बस ये प्रोवाइड करते हुए, ये तय करते हुए, ये इंश्योर करते हुए कि जो डेल्टा वाई है वो भी बहुत छोटा है और डेल्टा एक्स है वो भी बहुत ही छोटा है। इसी को मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर, हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं इसके ऊपर पूरा, लिमिट्स, है ना। तो इसी को इन्होंने ऐसे लिख दिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, कि डेल्टा एक्स जीरो के बहुत करीब पहुंच गया, जीरो नहीं हुआ, क्योंकि जीरो हुआ तो क्या होगा, पॉइंट सेम बन जाएगा। पॉइंट हम सेम नहीं चाहते, पॉइंट हम चाहते हैं थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा दूर हो, बट एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं हो। और कितना दूर हो, बस बिल्कुल थोड़ा सा, कितना थोड़ा, जितना थोड़ा तुम सोच सकते हो उससे भी छोटा, ठीक है ना, उससे भी छोटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लिमिट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अच्छा, डेल्टा एक्स अगर जीरो की तरफ जाएगा तो डेल्टा वाई अपने आप ही जीरो की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि जितना है ना। तो प्रोवाइडेड डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स आर वेरी वेरी स्मॉल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी पूरी चीज को इन्होंने ऐसे लिख दिया है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, तुम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये मैथमेटिकल नोटेशन होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, कुछ काम नहीं आएगा अभी के अभी, भूल जाओ इस पूरी चीज को, इस चीज को, इस पूरी चीज को नहीं, इस पूरी चीज को नहीं, ठीक है ना। तो ये है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को इन्होंने डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया स्मॉल चेंज के लिए, और कोई बात नहीं है। नोट दैट इफ द फंक्शन वाई इंक्रीज विद इंक्रीज, हाँ अब ये मैं समझा चुका तुमको कि अगर फंक्शन, दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो तरह की स्लोप आ सकती है, ये मैं समझा ही चुका तुम लोगों को। कि अगर तो एक तो जैसे मान लो ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे हमको स्लोप निकालनी है, तो ऐसी स्लोप आएगी, मतलब यहाँ पे निकल गई स्लोप वो, है ना, ऐसी स्लोप आएगी। एक मान लो ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे हमको स्लोप निकालनी है, तो ऐसी स्लोप आएगी। तो ये स्लोप क्या है, ये स्लोप मैं बता चुका, एक्स के इंक्रीज करने के साथ हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स के इंक्रीज करने के साथ लाइन ऊपर चले गई, मतलब इंक्रीज हो गया, तो ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। और एक्स के इंक्रीज इसमें क्या है, एक्स के इस पॉइंट से पकड़ो, तो एक्स के इंक्रीज करने के साथ हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव स्लोप हो गई। ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है। तो ये बोल रहा है कि इफ द फंक्शन वाई इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्स एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है एक्स के इंक्रीज के साथ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, बिकॉज वो डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स आर पॉजिटिव। डेल्टा एक्स भी पॉजिटिव है, डेल्टा वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी इंक्रीज करा है, वाई भी इंक्रीज करा है। इफ द फंक्शन वाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्स, अब एक्स को इंक्रीज करने के साथ फंक्शन डिक्रीज हो गया, नीचे आ रहा है फंक्शन, तो डेल्टा वाई इज नेगेटिव, डेल्टा वाई नेगेटिव हो गया ना, व्हेन डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव, मतलब एक्स इंक्रीज करा है लेकिन वाई डिक्रीज करा है, हेंस डी वाई बाई डी एक्स इज नेगेटिव। ये सिंपल सा फंडा अपने पास है, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे एक फिगर दे रखा है उसमें स्लोप की बात पूछे, तो मैं फिगर के अंदर ही कर लूंगा, नया अपन को नहीं बनाना। फ्रॉम द कर्व गिवन इन फिगर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू टू, मतलब ये बोलना चाहते हैं 6 पे भी निकालना है, 10 पे भी निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप निकालना है, कहाँ पे निकालना है, 2 पे निकालना है। तो 2 ये वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ पे निकालना है, 6 पे निकालना है, 6 पे तो 0 है, स्ट्रेट लाइन है, तो 6 तो 0 है, 10 पे ऐसा है। अच्छा एक और चीज, 10 पे स्लोप नेगेटिव है और 2 पे स्लोप पॉजिटिव है, 2 पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अब कैसे निकालेंगे हम, कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, तो दो पॉइंट इसमें कौन से पकड़ेंगे हम, शायद एक तो ये वाला पकड़ लो 4,6 यहाँ पे आ रहा है शायद, एक ये -2,0 पकड़ लो, मतलब ये जो लाइन है इसका नीचे एक पॉइंट है -2,0, है ना, ठीक है ना। ये मैं एसी लाइन की बात कर लेता हूँ, पहले एसी लाइन की बात कर लेता हूँ। तो एसी लाइन पे क्या है, एक पॉइंट तो है -2,0, टू एक्स को पहले लिखते हैं वाई को बाद में लिखते हैं, एक पॉइंट तो -2,0, तो एक्स -2 है इसका, वाई 0 है इसका, यहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है। देखो यार एसी वर्मा एक दो जगह ऐसी जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, यहाँ भी इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट 4,6 पकड़ सकते हो इसको, दूसरा पॉइंट पकड़ लो 4,6। अब क्या करना है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 6 अपॉन ये भी 6 बन जाएगा, तो मतलब 1 आ जाएगा स्लोप, मतलब 45 डिग्री आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार, ए बी अपॉन बी सी बोला है, ए बी अपॉन बी सी, अब यार ये एग्जैक्टली पता नहीं है, 5 है और ये 4 है, मतलब ठीक है ना, मतलब 5/4 कर लो, इस हिसाब से निकाल रखा है, इतना क्लियर नहीं है फिगर में, मैंने इसको पकड़ लिया था कि ये 4 पे आ रहा है मेरे हिसाब से 6 जब है, तो ठीक है इतना क्लियर नहीं है, बट समझ लो ए बी अपॉन बी सी। तो बेसिकली अपन क्या करना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पकड़ लो, तो ये डिस्टेंस इन्होंने 5 बोल रखा है, इतना क्लियर नहीं है, और ये 4 बोल रखा है, तो 5/4 स्लोप आ गया, ठीक है ना, अपना भी ज्यादा डिफिकल्ट। इसमें देख लेते हैं क्लैरिटी है क्या, ये पॉइंट तो 14,0 है, और ये वाला पॉइंट वापस से, चलो इसको 5 ही पकड़ेंगे, इसको 10 पकड़ लेंगे, तो अब स्लोप कितनी आ जाएगी अपनी, देखो इसके दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो
इसके दो पॉइंट्स हैं, एक तो है डीएफ की बात कर रहा हूं, तो डीएफ में एक पॉइंट तो क्या है 14,0 एक्स और वाई है ना, दूसरा पॉइंट क्या रहा है इस पॉइंट का एक्स कितना है 10, इस पॉइंट का वाई कितना है 5, तो 10,5, तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस कर दो, 5 - 0 / 10 - 14, तो कितना आ गया 5 / -4, तो -5/4। देखो अपन ने बोला भी था स्लोप नेगेटिव आएगी, स्लोप नेगेटिव क्यों, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ही एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो ऐसा अपना है, देखते हैं एक बार। ठीक है -5/4 आ गया, वहां पे तो 0 था ही, वो अपन कर ही चुके, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ग्राफ की बात, ये तो किसकी बात हो गई, ग्राफ की बात हो गई। अब मान लो अपन को दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है कुछ भी, और अपन को बोला है कि उस फंक्शन, तो ये क्या बोल रहा है, इफ वी आर गिवन द ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स, वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड फाइंडिंग इट्स स्लोप। भाई पेपर लो जो तुम क्लास 5th 6th में करा करते थे, कि ग्राफ पेपर यूज करा करते थे, तुमको एक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दे दिया, तो उसमें तुमने बना लिया ग्राफ, ड्रॉ कर लिया, फिर तुमको बोला इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, टेंजेंट बना दी, टेंजेंट बना के एंगल निकाल लिया प्रोटेक्टर से, है ना, डी जिसको तुम बोलते हो, तो उससे तुम स्लोप निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। अब लेकिन हमको इतना सब हम ड्रॉ थोड़ी करने बैठेंगे, ड्रॉइंग व्राइंग तो हम ऑलरेडी भूल चुके हैं 5th 6th क्लास में। तो ये बोल रहे हैं इवन इफ द ग्राफ इज नॉट ड्रॉन, अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करा, और एलजेब्रिक, एलजेब्रिक मतलब इसको बोलते हैं रिलेशन, जैसे ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू, ये एलजेब्रा होता है। एलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स इज गिवन, वाई और एक्स के बीच में रिलेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन बना के वी कैन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एलजेब्रिकली, मतलब हम एलजेब्रा के कुछ ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू, ये फॉर्मूला, तो कुछ हम फॉर्मूले भी याद कर लेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एरिया बोलते हैं स्क्वायर का, एल स्क्वायर बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है ना। इफ वी चेंज एल टू एल प्लस डी डेल्टा एल, द एरिया विल चेंज टू ए प्लस डेल्टा ए, अगर एल को अपन ने बढ़ा के डेल्टा एल से इंक्रीज कर दिया, तो एरिया भी ए प्लस डेल्टा एल से बढ़ जाएगा ना, तो स्लोप जिसको अपने स्लोप बोला था या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ बोला था, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने पास फंक्शन क्या है, अपने पास है ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डी ए अपॉन डी एल, ये समझ लो, डी ए अपॉन डी एल का मतलब जैसे वाई और एक्स में एक फंक्शन है, तो अपन को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है एक तरह से, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा कि अपन एक पॉइंट तो लिख देंगे ए है, एक मतलब ए कॉमा एल है, और दूसरा पॉइंट अपन क्या लिख देंगे, जैसे अपन एक्स के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स करते थे, तो अपन एल के अंदर एल प्लस डेल्टा एल कर देंगे, और क्योंकि एल प्लस डेल्टा एल मैंने करा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक वाई भी मिलेगा, मतलब मेरे को एक एरिया भी मिलेगा, एरिया एल स्क्वायर के बराबर है, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिलेगा एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट था वो कितना था, एल स्क्वायर कॉमा एल, एल स्क्वायर क्यों, बिकॉज ये वाई है, ये वाई है, मतलब इसको तुम वाई मान के चलो, इसको तुम एक्स मान के चलो, तो वाई और एक्स का रिलेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अपने पॉइंट्स क्या होते थे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने पॉइंट्स को, तो बेसिकली क्या है कि ये वाई मान के चले अपन ने, ये एक्स मान के चले, तो एक्स वन बोल देते हैं, एक्स वन क्या है अपने पास एल है, तो वाई वन क्या आ गया अपने पास, वाई वन आ गया एल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। फिर एक्स टू अपन क्या लेंगे, एक्स टू अपन ले लेंगे एल प्लस डेल्टा एल, तो वाई टू क्या आ जाएगा अपने पास, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। अब डेल्टा वाई अपॉन या फिर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, जो भी है सब क्या हो जाएगा। अब टेन थीटा का इसमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ग्राफ तो अपन ने बनाया नहीं, स्लोप का भी इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें तो रेट ऑफ चेंज ही कर देंगे अपन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई मतलब वाई टू माइनस वाई वन, तो क्या लिख देंगे, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल, ये लिख देंगे अपन पूरा पूरा। देखो इसको खोल देते हैं, क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस टू एल इंटू डेल्टा एल माइनस एल स्क्वायर अपॉन, ये एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल, डेल्टा एल नीचे बच जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया अपने पास, डेल्टा एल, देखो डेल्टा एल से डेल्टा एल स्क्वायर कैंसिल होगा, तो डेल्टा एल प्लस ये टू एल, डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल होगा टू एल, ये बात समझ में आ गई। तो अपने पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब कि डेल्टा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल कितना आ गया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल कितना आ गया अपने पास,
डेल्टा एल प्लस टू डेल्टा टू एल, ठीक है ना। तो ये इसमें दे रखा है, देखो एक बार देख लो, ए प्लस डेल्टा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल कितना निकल गया, टू एल प्लस डेल्टा एल। अब आगे क्या है, इफ अब हमने क्या लिया था, हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है, मतलब किसी पर्टिकुलर लेंथ के लिए निकालना है। इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा एल को अपन बहुत छोटे से छोटा कर देंगे, तो डेल्टा एल को छोटे से छोटा कर देंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये जो डी ए अपॉन डी एल है, तो अब मेरे पास क्या आया था, ये पूरा मैं मिटा, एक बार ये याद रख लो और ये याद रख लो, तो ये पूरा मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास क्या आया था, मेरे पास आया था कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल, ये वैल्यू है टू एल प्लस डेल्टा एल। लेकिन अगर मैं डी ए अपॉन डी एल की बात करूंगा तो कितना बन जाएगा, टू एल। डी ए अपॉन डी एल क्या बन जाएगा, टू एल। डी ए अपॉन डी एल टू एल क्या बन गया, बिकॉज डी ए अपॉन डी एल क्या है, डी ए अपॉन डी एल वो वैल्यू है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल की, जब तुमने डेल्टा एल को बहुत छोटा छोटा ले लिया, बहुत छोटा, कितना छोटा, बहुत छोटा। तो टू एल प्लस एक्चुअली में है पॉइंट जीरो 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 वन। लेकिन जैसे एल मान लो 5 मीटर है, तो ये तो ये क्या बनेगा, 10 प्लस पॉइंट जीरो 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 वन। तो उसका आंसर उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर फाइनली फाइनली अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, अपन क्या बोल देंगे 12 के बराबर ही हो गया, ठीक है। तो ये अपना पूरा फंडा है। अब मैं इसका इसका इंप्लीकेशन समझाता हूँ, आगे फॉर्मूले आ गए, लेकिन मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो, तो अपन को ये पता पड़ा कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एल स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एल स्क्वायर है, तो मेरे पास डी ए अपॉन डी एल क्या आता है, टू एल आता है। तो ऐसे ही मतलब y मतलब a मतलब a, तो जैसे अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं y और x का एक ग्राफ बनाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा क्यों आएगा, देखो मैं समझाता हूँ। इस तरफ छोड़ दो एक बार नेगेटिव वाला, एक बार पॉजिटिव वाले देख लेते हैं। तो जीरो है तो जीरो है, एक्स अगर जीरो है तो वाई कितना है, जीरो। एक्स अगर वन है तो वाई भी कितना है, वन वन वन। एक्स अगर टू है तो वाई कितना है, फोर। एक्स अगर थ्री है तो वाई कितना है, नाइन। एक्स अगर फोर है तो वाई कितना है, सिक्सटीन। ये ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। तो देखो ऐसे उठ गया ये, मतलब ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, ये ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। एक और चीज़ तुम देख रहे होंगे कि यहाँ की स्लोप कम है, फिर यहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो रही है। तो मान लो तुमसे कोई पूछे कि जीरो पे स्लोप निकालो, वन पे स्लोप निकालो, टू पे स्लोप निकालो, थ्री पे स्लोप निकालो, फोर पे स्लोप निकालो, तो मेरे को क्या पता है स्लोप किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, टू इंटू एक्स होती है। समझ में आ रही बात, मतलब इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, स्लोप एट जीरो क्या होगी, टू इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। स्लोप एट वन क्या होगी, टू इंटू वन इज इक्वल टू वन नहीं टू, ठीक है ना। स्लोप एट टू क्या होगी, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर। स्लोप एट थ्री क्या होगी, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स। स्लोप एट फोर क्या होगी, टू इंटू फोर इज इक्वल टू एट। इसका मतलब समझो कि अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगा जीरो पे तो वो ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊंगा तो वो ऐसे आएगी, और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा टू। यहाँ पे बनाऊंगा तो स्लोप और इंक्रीज कर गया, यहाँ पे बनाऊंगा तो स्लोप और इंक्रीज कर गया, यहाँ पे बनाऊंगा तो स्लोप और इंक्रीज कर गया। यहाँ पे स्लोप कितना है, एट। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक थीटा बनाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एट। तो समझो कितना आसान कर दिया अपन ने। अब अपन दुनिया में वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अपन उल्टा भी पूछ सकते हैं, अपन ये पूछ सकते हैं कि ऐसा पॉइंट बताओ मुझको, जैसे मैं क्वेश्चन ये पूछ सकता हूँ, एट व्हाट पॉइंट स्लोप इज इक्वल टू वन। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि किस पॉइंट पे स्लोप वन के बराबर है। समझ लो कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है कि किस पॉइंट पे स्लोप वन के बराबर है। तो स्लोप वन के बराबर किस पॉइंट पे होगा, स्लोप कितना है, टू इंटू एक्स है। तो स्लोप मतलब टू इंटू एक्स है, तो टू एक्स इक्वल टू वन हो गया, मतलब एक्स इक्वल टू हाफ। मतलब मुझे आज ये पता पड़ गया, आज एक ग्राफ को देख के बिना प्रोटेक्टर बिना कुछ करे अल्जेब्रा से मुझे आज ये पता पड़ गया कि अगर मैं हाफ लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो इसका जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का बनेगा। किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू हाफ पे। अगर मैं x इक्वल टू हाफ पे एक पॉइंट बनाता हूँ तो मेरे को y भी नहीं निकालना, उसका कुछ नहीं निकालना, मुझको आगे पीछे का कुछ नहीं निकालना। ये समझ लो कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंटरेस्टिंग है। मेरे को ये भी पता पड़ गया कि मैं इस ग्राफ की जो शुरुआत है, इस ग्राफ की जो शुरुआत है वो मैं ऐसे करूंगा, मतलब ये जो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है मैं ऐसे नहीं करूंगा कि ऐसे शुरू हो गया वो ग्राफ। यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है, जीरो रहेगा। ऐसे ये गलत है, ये ऐसे शुरू करूंगा मैं इस ग्राफ को ऐसे, मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये सारे पॉइंट्स, ये तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात हुई। अब समझ लो कि अपन ने अगर इनके ऑलरेडी कैलकुलेट करके सारे फॉर्मूला निकाल लिए, अगर अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके सारे फॉर्मूला निकाल लिए
तुम बोलोगे सर ग्राफ तो साइन का भी होता है, कॉस का भी बना सकते हैं, टेन का भी बना सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस पता नहीं क्या बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ग्राफ तो बिल्कुल ग्राफ कुछ भी बना सकते हो तुम। और हमने क्या कर रखा है, हमने ये अब तो आगे क्या बोल रहे, टेबल 2.1 गिव्स द फॉर्मूला फॉर डीवाई बाय डीएक्स फॉर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, डीवाई बाय डीएक्स इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डीवाई बाय डीएक्स एक नया नाम और आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्लोप ऑफ द वाई एक्स कर्व, टेन ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज, सब है, सब है ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अपन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक और का निकाल लेते हैं फंक्शन का, तो तुमको थोड़ा सा बिलीफ हो जाएगा। तो जैसे इसमें किस किस का फॉर्मुला दे रखा है, मैं एक बार फॉर्मुला ड्राइव कर देता हूँ जिसे तुमको विश्वास, जैसे जब एक्स स्क्वायर होगा तब तो तुमको पता है स्लोप टू एक्स आएगा, अपन ने ड्राइव कर लिया, तो अपन ने इस फॉर्मुले को एक्स की पावर एन के लिए वो कर दिया। तो मैं एक्स की पावर एन के लिए नहीं निकाल रहा, बिकॉज जैसे एक्स स्क्वायर का निकाला, एक्स क्यूब का भी अपन निकाल ही लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं साइन एक्स का निकाल के बता देता हूँ, तो साइन एक्स अगर मैंने निकाल दिया तुमको बिलीव हो जाएगा कि अपन कर सकते हैं सारा काम, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपन स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसका मैं इंप्लीकेशन बताता हूँ तुमको। तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डीएक्स, डी वाई अपॉन डीएक्स अपन निकालना है, ठीक है ना। थोड़ा समझ लो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, इसको स्किप भी कर सकते हो अगर तुमको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तुमको नहीं समझना, बट इसको समझ लोगे क्योंकि इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, तो तुम समझोगे तो तुमको एक ब्यूटी नजर आएगी वाकई, कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो हम थोड़ा सा बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क के बाद ब्यूटी आती है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा लगता है, तो ये वो है कि आप एक बार थोड़ा सा इसको देखोगे ना तो आपको पता पड़ेगा इसकी ब्यूटी क्या है। डीवाई अपॉन डीएक्स निकाल के मैं जो साइन का ग्राफ बनाऊंगा और उसमें जो कॉस आएगा, देखो साइन का जो फंक्शन है उसका डीवाई अपॉन डीएक्स कॉस है, कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आता मतलब क्या है इसका, तो मतलब जो समझाऊंगा वो एक बार निकल गया, एक बार प्रूफ कर देता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक्स वन को मान लेते हैं साइन ऑफ एक्स, सॉरी एक्स, एक्स वन तो एक्स है ना, बिकॉज एक्स टू क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई वन क्या है साइन ऑफ एक्स। जब एक्स वन को मैंने एक्स किया तो वाई वन कितना हो गया साइन ऑफ एक्स, वाई टू क्या हो गया, जब एक्स टू को मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स लूंगा तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्या बन गया दिस माइनस दिस, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ साइन x अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस, इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको इसको नहीं देखना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कर रहा हूँ बच्चों के जिनको बाकी थोड़ा सा पढ़ना है डीप के अंदर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ a प्लस बी है ये, माइनस ऑफ साइन ऑफ x है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि साइन ऑफ, या तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, बट वो कॉम्प्लिकेट होगा, तो इसको मैं लगा दूं साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ डेल्टा एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ठीक है ना, और ये तो डेल्टा एक्स बनी गया नीचे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कैंसिल भी नहीं हुआ, बट साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं अपन, तो साइन एक्स को अपन कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया साइन एक्स cos of delta x minus 1 upon delta x plus, इसको अलग से लिख देते हैं, cos of x sin of delta x upon delta x, इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ये अलग से, ये सर ठीक है। ये तो delta y upon delta x हो गया, अब dy upon dx क्या होगा, dy upon dx के लिए अपन क्या कर देंगे, delta x को अपन tending to 0 कर देंगे, तो delta x जब tending to 0 होगा, डेल्टा एक्स जब टेंडिंग टू जीरो होगा, डेल्टा एक्स जब टेंडिंग टू जीरो होगा, तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ और इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे एक नई चीज भी सीखने को मिलेगी मेरे को। डेल्टा एक्स जब टेंडिंग टू जीरो होगा तो क्या होगा, एक नई चीज सीखने को मिलेगी मेरे को, अब देखो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू अगर जीरो है तो कॉस, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुमको है ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आगे काम हो जाएगा, अभी काम नहीं आएगा, आगे काम हो जाएगा। कॉस ऑफ डेल्टा एक्स जो है जीरो, कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, वन होता है ना, कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, वन होता है, तो कॉस ऑफ डेल्टा एक्स जब, डेल्टा एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा, मतलब अगर जीरो मान लो, जीरो मान के देखते हैं क्या होता है, तो जीरो मान के देखेंगे इसको तो क्या होगा, इसको जीरो मान के देखेंगे तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास वन माइनस वन मतलब जीरो, जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आ रही है। तो हमेशा तुम जब भी कैलकुलेशन करो ना, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आएगी, ऐसे इसको मान के देख लो, cos x तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी ना, बड़ी क्वांटिटी, sin x तो इसको मैंने अलग से निकाल दिया, sin delta x को देखो, delta x जो है जब delta x बहुत छोटा हो तो sin भी जीरो, ये जीरो पर जाएगा तो ये भी जीरो पर जा रहा है,
तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई कि यहाँ पे भी 0/0 की फॉर्म आ रही है, यहाँ पे भी 0/0 की फॉर्म आ रही है। वहां पे मैंने दिखाया था, बट वहां पे भी 0/0 की फॉर्म आ रही थी जब अपन ने पहले किया था ना, उसमें 0/0 की फॉर्म आ रही थी। तो अब अपन क्या करेंगे इसके लिए? तो यहाँ पे एक है ना नई चीज और अपन को समझ में आती है। पहली चीज तो मैं समझाना चाहता हूँ कि एक है ना नया फॉर्मूला होता है साइन एक्स का। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में साइन ऑफ डेल्टा एक्स का, मान लो फॉर्मूला। साइन ऑफ डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स का क्यूब अपॉन 3, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला, जो भी होता है। बट ये हायर पावर से है, डेल्टा एक्स ऑलरेडी बहुत छोटा है तो इसके क्यूब को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, अपन डेल्टा एक्स पकड़ सकते हैं। साइन ऑफ डेल्टा एक्स को अपन डेल्टा एक्स पकड़ सकते हैं इफ एंड ओनली इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। मतलब साइन ऑफ, अगर तुमसे पूछे साइन ऑफ 1 डिग्री क्या होगा, तो साइन ऑफ 1 डिग्री जो होगा, और ये रेडियंस में वैलिड होता है, तो साइन ऑफ 1 डिग्री मतलब क्या होगा, वो 1 डिग्री 1 के बराबर ही होगा बट रेडियंस के अंदर आएगा। तो रेडियंस के अंदर क्या कर देंगे अपन, पाई अपॉन 180 और कर देंगे। तो साइन ऑफ 1 डिग्री क्या होगा, 1 × पाई, या फिर साइन ऑफ पाई अपॉन 180 रेडियंस। पाई अपॉन 180 बहुत छोटा है ना, तो साइन ऑफ पाई अपॉन 180 क्या होता है, पाई अपॉन 180 ही होता है। मतलब ये तुम याद रख लो आगे से। तो ये भी एक चीज बतानी थी कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू थीटा। साइन ऑफ थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर ही होता है जब साइन बहुत छोटा होता है। तो साइन ऑफ 10 डिग्री अगर तुमसे कोई पूछे, डिग्रीज में आंसर नहीं आएगा, बस रेडियंस में आंसर आएगा। तो साइन ऑफ 10 डिग्री अगर कोई पूछे तो उसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लो और फिर वो रेडियंस वाला ही आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि डेल्टा एक्स प्लस, ठीक है, तो इसका तो क्या बन गया, तो ये दोनों बराबर ही हो गए ना एक तरह से, ये समझ रहे हो। ये कितना भी छोटा है, ये 0.00001 है, बट ये भी 0.00001 है। तो कोई भी छोटी क्वांटिटी कितनी छोटी हो, कोई भी कितनी छोटी हो, ये तो कैंसिल हो गई क्योंकि बराबर है। अगर इसमें ऐसा था कि ये तो 0.001 है और ये 0.00000001 है, तो फिर ये कैंसिल नहीं कर पाते अपन। तो फिर ये चीज जीरो फिट की तरफ टेंड करती है, ठीक है ना भाई। दो छोटी क्वांटिटी का डिवीजन अपन ने किया तब भी क्या क्या केस बन सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो दो छोटी क्वांटिटीज को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो भी, तो भाई बड़ा क्वांटिटी अपन बड़ा क्वांटिटी वन थोड़ी होगा हमेशा। बड़ा क्वांटिटी अपन बड़ा क्वांटिटी मतलब ये भी हो सकता है ये अपॉन ये, ये तो बड़ा ही है। इसको और बड़ा करोगे, जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर तुम वाई अपॉन एक्स निकालने की कोशिश करोगे तो वाई अपॉन एक्स कितना है, तुम बोलोगे ये भी बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ा कौन हो रहा है, वाई बड़ा हो रहा है, क्योंकि वाई एक्स स्क्वायर के बराबर है। इसलिए इसकी लिमिट जो होगी ये जो जाएगा इन्फिनिटी तक तरफ चलता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके इसमें क्या, इसके इसमें बराबर ही कर दिया अपन ने दोनों को। अपन ने बोल दिया फॉर्मुला होता है कि साइन ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये चीज तो कट गई, तो यहाँ तो कॉस एक्स बच गया। अब ये चीज इसकी और बात कर लेते अपन। तो कॉस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस वन है पहली चीज, तो कॉस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस वन का मतलब समझ रहे हो क्या? कॉस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस वन का मतलब क्या हुआ, वन माइनस कॉस ऑफ डेल्टा एक्स पढ़ा हुआ तुमने कभी? तो वन माइनस कॉस ऑफ डेल्टा एक्स कितना होता है, वन माइनस कॉस थीटा कितना होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस वन को, कॉस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर डेल्टा एक्स बाई टू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो माइनस ऑफ ये क्या होता है, टू तो बाहर ले लो, साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये मतलब होता है इसका। और मैं क्योंकि बोल चुका हूँ डेल्टा एक्स बहुत छोटा है ना, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा लिया है ना मैंने, तो कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ टू डेल्टा एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। मतलब कितना होंगे, माइनस ऑफ टू इंटू डेल्टा एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, मतलब कि वो डेल्टा एक्स का माइनस ऑफ डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन टू, समझ रहे हो। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये चीज आ गई अपने पास, ये चीज आ गई अपने पास साइन ऑफ एक्स इंटू माइनस ऑफ डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू इंटू डेल्टा एक्स प्लस कॉस ऑफ, साइन ऑफ डेल्टा एक्स को मैंने डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया बिकॉज बराबर है, बट यहाँ पे डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स है। अब जितना छोटा तुम करोगे हमेशा यहाँ पे एक छोटा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई एक छोटा क्वांटिटी डिवाइडेड बाई एक छोटा, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर से ही तो कैंसिल करूंगा मैं, लेकिन डेल्टा एक्स तो फिर भी बच जाएगा। तो अगर तुम इसको इनफाइनेटली स्मॉल कर दोगे ये चीज पूरी की पूरी चीज उड़ के क्या बन जाएगी, जीरो, ये चीज वन बन गई और बचा क्या कॉस ऑफ एक्स। तो इसलिए साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ गया, कॉस ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। ऐसे तुमको तो इसके लिए मैथमेटिक्स में पूरा एक चैप्टर है कि ये फॉर्मूला कर करके पूरा मैथ, इसलिए मैथमेटिक्स में वो खराब लगती है। अब इसके लिए मैथमेटिक्स वाले बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रूव दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज एक्स स्क्वायर एक्स,
प्रूव दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। तो ये फालतू के सवाल लगते हैं उनको मैथ्स, इसलिए उनको मैथमेटिक्स खराब लगती थी, फालतू बैठ के कैलकुलेट करते रहो। अब कंसेप्ट समझो कि हो क्या रहा है। अब एक बार साइन का ग्राफ बना के बताता हूँ उनको, साइन का ग्राफ कैसा होता है। साइन का ग्राफ कैसे बनता है पहले मैं बताता हूँ कि ये वाई है और ये एक्स है, तो साइन का ग्राफ ऐसा आता है, वेव आता है ऐसा, क्यों 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 इतना ही बनाते हैं। ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, सॉरी पाई है, तो जीरो से पाई का ही बना लेते हैं, क्योंकि पाई बाई टू तो तुम कहाँ तक जाओगे, तो यहाँ तक बना लेते हैं टू टू टकाच, ठीक है ना। ये जीरो है, ये पाई है, ये पाई बाई टू है, और साइन की वैल्यू पाई बाई टू पे क्या होती है, वन होती है। तो ये वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ बना रखा है मैंने, ये वाई है और ये एक्स है ना। यहाँ भी लगा सकते हो कि पाई बाय सिक्स, मतलब 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री लिख लो, क्या दिक्कत है। 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है इसकी, हाफ होती है ना। फिर यहाँ भी ले सकते हो 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है इसकी, √3/2 होती है, √3/2 मतलब 0.85 होती है। फिर ये वैल्यू यहाँ भी रहेगी, देखो ग्राफ से भी कितना अच्छा ब्यूटीफुली वैल्यूज आ रही है अपनी, है ना, कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ से 30 इंक्रीज करा तो यहाँ से 30 डिक्रीज करूंगा, मतलब ये एंगल कितना ही 180 होता है, ये 150 बनेगा। तो हमको समझ में आया कि 150 पे और 30 पे सेम वैल्यू आती है हाफ। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 30 कम कराया तो यहाँ पे 30 इंक्रीज करूंगा, तो सिमेट्री आएगी, तो ये 120 डिग्री एंगल है, 120 डिग्री एंगल पे सेम वैल्यू आती है, 60 और 120 सेम होता है, तो ये साइन का ग्राफ है, कर्व बनेगा ऐसा। अब मान लो मुझसे कोई पूछे कि जीरो पे क्या स्लोप है साइन की, 30 डिग्री पे स्लोप क्या, यहाँ पे तो जीरो है स्लोप, यहाँ पे क्या स्लोप आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है स्लोप, ये सब पता है, ये पूछे तो मुझे क्या पता है कि सर साइन का स्लोप कौन देता है, सर साइन का स्लोप कौन देता है, कॉस देता है। मुझे बस ये बात बोलनी है बार बार कि सर साइन का स्लोप कौन देता है, कॉस देता है। तो अब मैं अगर बोलूं कि स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, स्लोप एट जीरो, तो स्लोप एट जीरो निकालते हैं अपन, क्या होगा, जीरो डिग्रीज बोल देते हैं इसको। तो स्लोप एट जीरो डिग्रीज क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, तो यहां पर मैं स्लोप एट निकाल रहा हूं, स्लोप तो यहां पर अपन कर देते हैं एंगल या पॉइंट, यहां अपन कर देते हैं पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, और यहां पर कर देते हैं स्लोप एट दैट पॉइंट, ना पॉइंट मतलब एक्स, बेसिकली एक्स, एक्स की बात कर रहे हैं अपन, और स्लोप का मतलब अपन, स्लोप क्या होती है, साइन की कॉस एक्स होती है ना। तो पॉइंट, अब पॉइंट अगर जीरो डिग्री है तो स्लोप क्या होगी, कॉस ऑफ जीरो डिग्री, कॉस ऑफ जीरो डिग्री मतलब वन, मतलब समझा दूंगा मैं, है ना। अगर पॉइंट 90 डिग्री है तो स्लोप क्या होगी, कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 मतलब जीरो। अगर पॉइंट 180 डिग्री है तो स्लोप क्या होगी, कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस वन होता है। अगर पॉइंट 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पे क्या आएगा, कॉस ऑफ 30 स्लोप आएगा, और कॉस ऑफ 30 क्या होता है, कॉस ऑफ 30 √3/2 होता है, इसलिए स्लोप एक बार 60 पे निकाल लेते हैं, मतलब 60 पे मैं समझा पाऊंगा 60 पे क्या हो रहा है। तो कॉस ऑफ 60 क्या होता है, कॉस ऑफ 60 होता है हाफ, वैसे तो इसका कोई मतलब निकला, बट तो समझ लो ये तीन पॉइंट समझ लो, बाकी तो फिर एक बार छोड़ दो, तीन पॉइंट समझ लो, वहां पे भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जीरो डिग्री अगर बात करें अपन, क्या तुमको पता है ये एंगल कितना बना रहा है, ये इन सबको भूल जाओ, स्लोप की बात करते हैं, टेंजेंट की। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या एंगल बना रहा है पता है क्या, अच्छा यहाँ तो दिख रहा है जीरो डिग्री बना रहा है, यहाँ स्लोप जीरो, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है पता है क्या, एंगल ऑब्ट्यूज है, लेकिन एंगल एग्जैक्टली कितना है वो मुझको नहीं पता। लेकिन अब मुझे क्या पता है कि जीरो डिग्री वाले पॉइंट पे स्लोप कितना आएगा, कॉस ऑफ जीरो डिग्री, कॉस ऑफ जीरो डिग्री कितना होता है, वन होता है, मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो कितनी है, वन है। और स्लोप का मतलब टेन ऑफ थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, ये थीटा नहीं है ये थीटा, तो यहाँ पे जो टेंजेंट में बनाऊंगा उसका जो टेन ऑफ थीटा होगा उसका आंसर बना रहा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। कुछ भी हो सकता था यहाँ पे एंगल, 40 हो सकता था, 50 हो सकता था, 35, 36, 30 कुछ भी हो सकता था, लेकिन मुझे पहली बार पता पड़ा आज कि जब मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा, तो साइन का ग्राफ जब मैं बनाता था मैथमेटिक्स में, क्या फिर हमको ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं क्लास 12th के अंदर, वो कुछ भी फंक्शन देते हैं उसका ग्राफ तुमको, तो ग्राफ हम ऐसे ही निकालते हैं कि किस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, किस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है। मुझे थोड़ी पता साइन का ग्राफ ऐसे ही होता था, मैं ऐसा भी तो बना सकता था, ऐसा भी तो बना सकते हो तुम, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा, बिकॉज इस पॉइंट पे स्लोप जीरो नहीं है, इस पॉइंट पे देखो एक पॉइंट पे तो ऐसा आ रहा है, इस पॉइंट पे ऐसा, इस पॉइंट पे स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे कैसे बनाओगे, ऐसी बनाओगे, ऐसी बनाओगे, ऐसी बनाओगे, कैसे बनाओगे। तो इसको अपन बोलते हैं नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉट डिफरेंशिएट फंक्शन, वो सब मैथमेटिक्स की बात है, बट छोड़ो। तो यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, मतलब यहाँ का स्लोप कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 90 का वैल्यू जीरो है कि नहीं, देखो कॉस ऑफ 90 का वैल्यू जीरो है। तो ये चीज अपन को दिख रही थी, लेकिन अपन ने प्रूफ भी कर दी। यहाँ स्लोप देखो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्या आएगा, बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, स्लोप क्या है 180 डिग्री पे, स्लोप क्या है कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 माइनस 1, माइनस 1 मतलब एंगल कितना आएगा 135 डिग्री।
ऐसे अपन करते हैं स्लोप। तो ये फंक्शन बच्चों याद करने तुमको, इसको तुम है ना एससीवी की जो बुक है उसमें से याद कर लो अच्छे से। साइन ऑफ थीटा का स्लोप होता है कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ ये भी माइनस भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि साइन का कॉस हो गया कॉस का माइनस साइन हो गया तो दोनों को डिवाइड करोगे टेन का आ जाएगा, नहीं आएगा। टेन का स्लोप होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और भी होते हैं कॉट का स्लोप होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक का होता है माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ये ले रखा है। ln x का होता है 1 upon x। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साइन को याद रख लो, कॉस को याद रख लो, अभी के लिए x की पावर n को याद रख लो, ln x को याद रख लो, इन चारों को एक बार छोड़ दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है बट फिर भी कोशिश करने याद करने की। मैं ये समझाता हूँ, x की पावर n का स्लोप nx n माइनस 1 होता है, x की पावर n का जो स्लोप है वो होता है nx n माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x की पावर 5 लूंगा तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 4 5x की पावर 5 माइनस 1, मतलब कि 5x की पावर 4, x की पावर 5 मतलब x की पावर n, n क्या है, n यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ गया, x की पावर n माइनस 1 मतलब 5, तो x 5x की पावर 4 बन गया मेरे पास आंसर, है ना। और फिर देख लो x की पावर रूट ऑफ x का स्लोप निकाल लो, तो रूट ऑफ x मतलब क्या होता है, रूट ऑफ x मतलब होता है x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ का स्लोप क्या बन जाएगा, हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1, मतलब हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, मतलब 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, ऐसे निकल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्लोप अपन को समझ में आ गए, ठीक है ना। अब इसमें एससीवी में मैं एक लेक्चर लेता हूँ पूरा 3 घंटे का, उसमें है ना बेसिकली बहुत ही आसानी से ये चार फार्मूला लिख दिए, और ये चार फार्मूला लिख के इन्होंने अब प्रॉब्लम दे देंगे ये। तो ये बेसिकली फंक्शन पूरे के पूरे वो हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशंस हैं। तो ऑपरेशंस का मतलब क्या है, जैसे एक बार अपन कुछ फार्मूले तो याद कर लेते हैं पहले, चार फार्मूले पाँच फार्मूले याद कर लेते हैं कि एक्स की पावर एन का स्लोप क्या था, एन एक्स एन माइनस वन, साइन एक्स का क्या था, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या था, माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की सेम होता है ना, और एल एन एक्स का क्या था, वन अपॉन एक्स। ये पांच फॉर्मूले अपन याद कर लेते हैं। अब अपन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी वाई इज इक्वल टू सी इन टू डी वाई बाई डी एक्स सी इज ए कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ सी वाई इज इक्वल टू सी इन टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो तुमको निकालना है डी, जैसे मान लो y दे रखा है तुमको 5x स्क्वायर, क्या दे रखा है, x स्क्वायर नहीं 5 इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तुमको dy बाई dx निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx मतलब इसका तुमको निकालना है, मतलब ये क्या है, d ऑफ 5x स्क्वायर अपॉन dx है, ठीक ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें ये बोल रहे हैं बस 5 को बाहर ले आओ, तो ये बन जाएगा 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 5 ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये तो अपन को पता है ना कि अगर y एक्स स्क्वायर के बराबर होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, 2x होता है, अभी तो पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये 2x के बराबर है, तो ये कितना बन जाएगा, 5 इंटू 2x मतलब कि 10x। मतलब इतना लंबा नहीं समझना, इस फॉर्मूले को ज्यादा समझना नहीं, इस फॉर्मूले को इतना समझ लो कि x 5 इंटू एक्स स्क्वायर अगर पूछ लिया तो एक्स स्क्वायर का निकाल के उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया और बाकी वैसा कि वैसा काम कर दो जो तुम करते आए हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं सवाल कर दूं तुमको, जैसे इसको लेते हैं e की पावर x को, तो e की पावर x की जगह लिख लेते हैं हाफ ऑफ e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2, इसका मुझे निकालना है dy अपॉन dx। तो इसका dy अपॉन dx क्या कर दो, सिंपल सा पहला फंडा है कि पहले हाफ को बाहर लिख दो एज इट इज, और e की पावर x का क्या बन जाएगा, e की पावर x बन जाएगा। और सवाल कर लेते हैं, जैसे मान लो मैं दूसरा सवाल दूं कि 3 अपॉन 2 cos ऑफ x का मुझे निकालना है dy अपॉन dx, y ये है, तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, 3y 2 as it is लिख दो, और cos ऑफ x का dy dx कितना होता है, माइनस ऑफ sin x। तो ये है सिंपल सा एक फंडा है बस, कि अगर कोई एक नंबर मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ही तो होता है, और कोई कांस्टेंट होता है क्या, कांस्टेंट मतलब नंबर ही होता है, तो अगर नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो उसको बस ऐसे के ऐसे साथ में मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, d by dx of u plus y is equal to du by dx plus dv by dx। अब ये u क्या है, v क्या है, ये फंक्शन से दो, इसको मैं y1 और y2 की तरह लिखता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ कि d by dx of y1 plus y2 is equal to dy upon dx
प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स, मतलब ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी सिंपल है कि जैसे मान लो वाई दे रखा है तुमको एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स प्लस एक और ले लो ln x ले लो, इतना बड़ा वाई दे रखा है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसका निकाल लो पहले, अलग से सबका निकाल लो, ज्यादा मचमच नहीं करनी, ये भी सिंपल फॉर्मूला है, अलग अलग से सबका। तो इसका क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ln x का कितना हो जाएगा। तो अब तुम सोचोगे सर ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियस नहीं है, इन हर फॉर्मूले का प्रूफ है, हर एक फॉर्मूले का क्या है ना प्रूफ करा है, जैसे वैसे अपने करा था ना पूरा साइन एक्स का निकाला, x square का जैसे निकाला था वैसे ही हर एक फॉर्मूले को प्रूफ करा हुआ है मैथमेटिक्स में, 12th क्लास में इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ और ये सवाल पूछ लेते हैं अपन से, ये पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, वो पूछ लेते हैं एक्चुअली, है ना। तो ये अब फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को मिक्स कर सकते हैं, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को कैसे मिक्स करेंगे कि किसी किसी में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैं वाई को लिख दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया 5x की पावर 4 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस 3/2 ln x। अब बताओ dy / dx क्या होगा, अभी तक सब सिंपल चल रहा है, पहला और दूसरा सिंपल होता है, पहला और दूसरा सिंपल होता है, फिर थर्ड वाला मुश्किल होता है, फोर्थ वाला तो मेरे को आता ही नहीं, पढ़ाता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। डीवाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा इसका, 5 तो एज इट इज रहने दो, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 बन जाएगा, 20 इंटू एक्स की पावर क्यूब प्लस हाफ ऑफ कॉस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, ये बन जाएगा। तो ये है इसका मतलब सिंपल सा, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थर्ड फॉर्मूला करते हैं, अब थर्ड फॉर्मूला आते ही तुम्हारा है ना दिमाग खराब हो जाता है थोड़ा सा, बट इसको याद कर लेंगे अपन। थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला है कि डीवाई डी एक्स ऑफ y1 into y2 is equal to y1 into d by dx of y2 plus y2 into d by dx of y1, y1 into d by dx of y2 plus d by dx of y1, समझ रहे हो, दिखने में दिक्कत हो रही थोड़ी सी। तो इसको ऐसे बोलता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second plus second function into differentiation of first, first function into differentiation of second plus second into differentiation of first, मतलब first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first, वो ही हो गया, अब तक तो वही होगा, ठीक है ना, इतना गाना गाऊंगा तो याद हो जाएगा। तो बेसिकली इसका इसका क्या है कि जैसे अभी तक अपन ने क्वेश्चन पूछा है, मान लो कि वाई दे रखा है तुमको एक्स इंटू साइन एक्स, अब मुझे डीवाई अपॉन डी एक्स निकाल के बताओ, तो ऐसा नहीं कर देंगे कि एक्स का या फिर एक्स स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं कर देंगे इसको 2x कर दिया और इसको cos x कर दिया, ये गलत है प्रोसेस। जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x हो गया गुल्ली गुल्ली, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया गुल्ली गुल्ली, आंसर आ गया 2x * cos x, ऐसा नहीं होता, गलत है। तो क्या होगा कि y = x² * sin x, तो क्या करेंगे ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो dy / dx को क्या लिख देंगे अपन, dy / dx को लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज * डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स, इसको फिर और सिंप्लीफाई कर दो, जो भी करना है एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स कॉमन निकाल लोगे तो बन जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, वो तो फालतू की बात है, ठीक है ना। तो ये फंडा होता है, तो अब क्या है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को भी मिक्स कर सकते हैं, तो ये थर्ड फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, इसको बता देता हूं मैं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को भी मिक्स कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कैसे मिक्स कर सकते हैं देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कैसे मिक्स कर सकते हैं देखो, y दे दिया मान लो मैंने, तो एक मेरे को नंबर भी लेके आना है, मेरे को ऐड भी करना है, मेरे को मल्टीप्लाई भी करना है, तो y मैंने दे दिया 5 * x क्यूब, अब sin x बहुत ले लिया तो अपन ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं tan x का होता है sec square x, अभी यही ले लो, एक और ले लो, है ना, तो 5x cube into 10x plus जी बू जी फॉर हाफ इंटू ln x इंटू साइन x, तो इसमें मैंने एडिशन भी ले लिया, मतलब दो फंक्शन को ऐड कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन भी है उसके अंदर, और उसके अंदर वो भी है, क्या है मल्टीप्लीकेशन भी, एडिशन भी और नंबर भी है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, क्या कर देंगे 5 तो बाहर रहेगा एज इट इज,
ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये डीवाई अपॉन डीएक्स लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब 3x स्क्वायर। ये तो यहां तक का हुआ सवाल, हो गई। फिर प्लस इसकी बात करेंगे तो हाफ कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आई बात समझ में? अगली बात समझ में? तो जब भी मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब मैं दो सवाल देता हूँ आपको, पॉज कर लो एक बार और आप है ना बनाओ खुद से। पहला सवाल लिख लो, कुछ भी बना लो, बोलो तुम बोलो, अरे तुम कैसे बोल पाओगे, तुम क्लास में तो हो नहीं, तुम तो मोबाइल पर देख रहे हो ना, तो चलो तुम बोलो, तुम फाइव ही बोलोगे सबसे पहले, फाइव बोलोगे, फिर तुम बोलोगे साइन एक्स लिख दो, फिर साइन एक्स को एल एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है कर दिया। फिर प्लस हाफ लगाना है, हाफ 3/4 लगा लेते हैं, 3/4 ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स कर देते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो बैठ के, इसको सॉल्व करो बैठ के, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ मैं चीज़ों को, सेकंड कर लेता हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे लगा दो 2/3 लगा दो, यहाँ पे 3/2 इंटू टेन एक्स लगा दो, ठीक है ना। इसको पॉज कर लो वीडियो को, है ना, सॉल्व करो दोनों को। मैं तो पॉज नहीं करूँगा, हल्का सा टाइम दे देता हूँ तुमको, बट तब तक तुम पॉज कर लो और सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। आगे तभी देखना जब तुम कर चुके होंगे इसको, तभी तुम आगे देखना, उससे पहले आगे मत देखना तुम लोग। मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, dy / dx इज इक्वल टू 5 एज इट इज आ जाएगा sin x, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस 3/4 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, मतलब ex के किसी पॉइंट पे अगर तुम, तो e का जो फंक्शन है, e का जो सिग्निफिकेंस है मैथमेटिक्स में वो यही है कि कोई ऐसा ग्राफ बताओ कि उसके पॉइंट पे जो स्लोप है वो उसी पॉइंट के बराबर हो। नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, ठीक है। ये देखते हैं, तो dy / dx क्या हो गया, dy / dx हो गया, ये क्या x की पावर हाफ है ना, इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको तो बाहर निकाल लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ का वो सेकेंड। इसको तुम आगे भी सॉल्व कर सकते हो ना, ये बन जाएगा 1/√2 बन जाएगा, ये भी बन, इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है ना। तो ऐसे अपन करते हैं इसको। अब जो फोर्थ फॉर्मूला है दो फंक्शंस का डिवीजन है वो, तो वो एक्चुअली मैं काम में क्यों नहीं लेता, मैं एक इसलिए काम में नहीं लेता, जैसे अगर मान लो तुमको साइन एक्स अपॉन एक्स का निकालना है डिफरेंशिएशन, तो इसको तुम लिख सकते हो साइन एक्स इंटू एक्स की पावर -1 लिख सकते हो ना, तो मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो तुम कभी भी डिवीजन वाले फॉर्मूला को, बात समझ आ रही है। जैसे अगर तुमको 1/x का निकालना है डिफरेंशिएशन, तो इसको पहले तो 1/x को तुम लिख दो एक्स की पावर -1, और एक्स की पावर -1 का तुमको निकालना आता है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन है ना किसी का भी निकाल, 1/x का निकाल लेते हैं अपन, 1/x का अपन है ना डायरेक्टली निकाल लेते हैं और फिर इससे निकाल लेते हैं अपन। एक काम करते हैं साइन ऑफ अपॉन एक्स का अपन इससे निकालते हैं फिर इससे निकालते हैं, तो इससे मैं एक बार इस फॉर्मूले के बिना निकाल के देखता हूँ मल्टीप्लीकेशन में ना साइन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो डी बाई डी ये वाई है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बन जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दो को, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन सेकंड क्या होगा -1 कॉमन एक्स की पावर -2 है ना इस फॉर्मूले से, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो अगर तुमको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, ये ठीक है।
अब अगर इसको साइन एक्स अपॉन एक्स मान के करें, अगर इसको दो फंक्शन का डिवीजन, तो ये तो मैंने दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन मान के करा था, बट अगर मैं इसको दो फंक्शन का डिवीजन मान के करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वाई, मतलब मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन अपॉन वाई टू इज इक्वल टू वाई टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन माइनस, तो क्या कॉम्प्लिकेटेड याद रखने में बहुत फॉर्मूला, इसलिए मैं याद ही नहीं रखता इस फॉर्मूले को, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू, और जब वाई टी कर रहा था तब भी मैंने याद नहीं करा था, नीचे वाई टू का स्क्वायर होगा ना, वाई टू का स्क्वायर, तो देखो इसको इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, तो y2 y2 क्या है, नीचे वाली चीज, नीचे वाली चीज मतलब x, x को लिख लो dy1 upon dx, dy1 y1 क्या है, y1 मतलब ऊपर वाली चीज मतलब कि cos x, माइनस y1 क्या है, y1 मतलब ऊपर की चीज मतलब sin x, sin x ऐसे ही आ जाएगा, y2 क्या है, y2 मतलब कि है नीचे वाली चीज, नीचे वाली चीज मतलब कि y2, y2 मतलब नीचे वाली चीज, dy dx, अच्छा dx upon dx कितना होगा, dx upon dx 1 होगा ना, dx upon dx कितना होगा, y2 अगर x के बराबर है, y अगर x के बराबर है तो dx अपॉन dy अपॉन dx कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना, अपॉन y2 का स्क्वायर, y2 मतलब कितना है x, x का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आता है, एक स्टेप में जैसे भी करने कर लो, मैं याद नहीं रखता, सिंपल सी ये बात है। अब लास्ट वाला प्रॉब्लम जो है ना, लास्ट वाला प्रॉब्लम वो भाई बहुत ही, इसको चेन फंक्शन बोलते हैं, मतलब ऐसी ऐसा एक फॉर्मूला डाल दिया, तो कभी कभी मैं एससी वर्मा को है ना कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नहीं बोलता, मैं प्रॉब्लम बुक ऑफ फिजिक्स बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी दे रखी है जो बस दे दी, और तो ये क्या बोल रहे हैं कि dy upon dx जो है उसको हम लिख सकते हैं dy upon dt लिख दो into dt upon dx लिख दो, मतलब कुछ नहीं करा, इसको तोड़ दिया और दोनों जगह पे इसको कैंसिल कर दोगे तो भी तो dy upon dx ही आ जाएगा ना, तो ये लिख दिया, इसको अपन चेन रूल बोलते हैं एक्चुअली में। मैं एक्चुअली इसको ऐसे नहीं समझाता, मैं इसको कैसे समझाऊं, मेरे एक बार तरीका देखो समझाने का, जैसे मान लो अभी तक हमको साइन ऑफ 5x को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, साइन ऑफ 5x 5 इंटू साइन एक्स नहीं है, यहां एंगल के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर जैसे मान लो e की पावर 2x को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, या फिर मान लो ln ऑफ 4x को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ln ऑफ 4, ये 4 इंटू ln x को अपन डिफरेंशिएट कर देते, वो क्या होता है 4 इंटू 1 अपॉन x, है ना, ऐसे ही साइन ऑफ 5x जो है वो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ, 5 ऑफ sin x अपन कर देंगे, 5 ऑफ sin x का बन जाएगा 5 को बाहर निकाल के रखो, इसमें नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है पूरी चीज के साथ, देखो जो तुमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि y के साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड है, मैंने इसके अंदर y के अंदर ही कुछ इंप्योरिटी मिला दी है, मेरा y क्या होता था sin ऑफ x, अब मैंने sin ऑफ x के sin ऑफ 5x कर दिया उसको, मेरा y के, ठीक है, एक चीज तो हुई 5 ऑफ sin x, इसको तुम निकाल लोगे क्योंकि ये साइन ऑफ एक्स, मेरा साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला मुझे पता है इट इज, और 5 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब मैंने साइन ऑफ एक्स को ही करप्ट कर दिया, एक्स को ही मैंने 5x कर दिया, इसको कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं, मैं तीनों का तरीका बताता हूँ निकालने का कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको कैसे पढ़ाता हूँ कि अगर मेरे को डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स निकालना है तो मुझे पता है कॉस एक्स होता है, यहां तक ठीक है बात, तो अब एक चीज होती है समथिंग, वो समथिंग समथिंग क्या होती है, समथिंग समथिंग मेरी जाने गाना है वो नहीं होता, समथिंग समथिंग क्या होती है, समझाता हूँ समथिंग, तो डी ऑफ साइन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, अब हम एक्स नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे समथिंग, डी ऑफ साइन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, डी ऑफ साइन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, डी ऑफ साइन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, ये समथिंग कुछ भी हो सकता है बट समथिंग सेम होना चाहिए, ये समथिंग कुछ भी हो सकता है लेकिन ये समथिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये समथिंग कुछ भी हो सकता है लेकिन समथिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब डी ऑफ साइन ऑफ समथिंग जीरो नहीं है, ये समथिंग है समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, यहां तक ठीक है, अब इस समथिंग को क्योंकि अपने साइन ऑफ 5x से निकालना है, इस समथिंग को 5x लिख दो, इस समथिंग को क्या लिख दो 5x, तो ये समथिंग भी 5x, ये समथिंग भी 5x और ये समथिंग भी 5x, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डी ऑफ साइन ऑफ 5x upon d of 5x is equal to cos of 5x, इसको डब्बे में डाल दो, इसको डब्बे में डाल दो, इसको डब्बे में, भाई ये something 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 सेम है, d of sin of something upon d of something is equal to cos of something, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है वो, हमसे वो पूछ रहा है, इसको मिटा देता हूँ मैं साइड में थोड़ा सा, हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है d of sin of something upon some other thing, हमसे क्या पूछा है वो, d of sin of something upon d of some other thing, this something and this something is not similar, हाँ अगर ये पूछता कि d of sin of something
अपॉन डी ऑफ समथिंग, तो ये समथिंग समथिंग मेरी जान सिंपल था, सिमिलर था, तो ये बन जाता कॉस ऑफ समथिंग। अगर ये समथिंग 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 तीनों समथिंग को चेंज करें तो भी अपना, तब भी ये भी सही है। डी ऑफ साइन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, डी ऑफ साइन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, बट डी ऑफ साइन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ सम अदर थिंग ये तो नहीं पता मुझको, बट ये मेरे को निकालना है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज को अपन क्या लिख देंगे, तो इस चीज को निकालने का तरीका क्या समझ में आया मेरे को, कि मेरे को ये तो पता है ना d ऑफ 5x नीचे होगा तो क्या करूंगा, तो इस चीज को अपन क्या कर देंगे कि d ऑफ sin ऑफ 5x अपॉन d ऑफ x को अपन क्या लिख देंगे, पहले तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे d ऑफ 5x अपॉन d ऑफ 5x से, क्यों कर देंगे, जिससे समथिंग समथिंग मेरी जा ये तो मैं सेम, ये तो मेरे को पता है क्योंकि कितना होता है cos ऑफ 5x, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया इक्वल टू, ये मैं dy / dx निकाल रहा हूं, dy / dx, dy / dx, तो ये आ गया cos ऑफ 5x इनटू, और ये चीज अलग अलग d ऑफ 5x अपॉन d ऑफ x। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये तुमको पता है d ऑफ 5x / d ऑफ x कितना होता है, वो 5 होता है, d ऑफ 5x / d ऑफ x कितना होता है, वो 5 होता है कि नहीं भाई। अगर अलग से तुमको ये फॉर्मूला पूछते हैं कि y 5x के बराबर है तो dy / dx निकालो, तो dy / dx क्या निकालते तुम, 5 को बाहर निकालते और ये x की पावर 1 है, तो 1 into x की पावर 1 minus 1 मतलब ये तो 0 हो गया, मतलब ये 5 ही आता तुम्हारे पास, तो ये कितना बन गया, तो ये बन गया 5 into cos of 5x, ठीक है। वैसे तो एग्जांपल समझ में आ गया होगा, बच्चों को सबको समझ में आ ही जाता है पहली बार में, है ना, क्योंकि ये तरीका बहुत डिफिकल्ट है, ये जो बोलना चाहते हैं वो तरीका बहुत डिफिकल्ट है। बट मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जिससे मैं ले लेता हूँ ln ऑफ e की पावर 2x लेते हैं, e की पावर 2x नहीं, क्योंकि वो तो सिंपल होता है ना, e की पावर x से e की पावर x होता है, ln ऑफ x / 2 कर लेते हैं, ln ऑफ x / 2, इसका मुझे निकालना है, y ये है तो dy dx निकालना है, तो कैसे करेंगे, dy / dx कैसे कर देंगे अपन, dy / dx क्या होगा, ln ऑफ x / 2 का d अपॉन डी ऑफ एक्स, ये समथिंग और ये सम अदर थिंग, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें डी ऑफ एक्स बाई टू को मल्टीप्लाई कर दिया और डी ऑफ एक्स बाई टू को मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो चीज है वो सेम है, तो डी ऑफ एलन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग, डी ऑफ एलन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग, डी ऑफ एलन ऑफ समथिंग मेरे को पता है डी ऑफ एलन ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स कितना होता है 1 अपॉन एक्स, मतलब डी ऑफ एलन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, d of ln of something upon d of something is equal to 1 upon something, d of ln of something upon d of something is equal to 1 upon something, so d of ln of something upon d of something ये तो बन जाएगा मेरे पास 1 upon something, 1 upon something, 1 upon something, ठीक है, into d of x by 2 upon into dx क्या बन जाएगा मेरे पास, मेरे पास बन जाएगा half। एक और कर लेते हैं अपन, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा देते हैं, ये तो सिंपल फंक्शन घुसाया ना अपन ने, अपन फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा देते हैं, जैसे अपन कर देते हैं ln ऑफ x स्क्वायर। अच्छा एक बार ये भी बता दूं, ln ऑफ x स्क्वायर अलग होता है, ln स्क्वायर x अलग होता है ना, या फिर साइन में कर लो एक बार, ln बाद में देख लेना, साइन ऑफ x स्क्वायर, साइन ऑफ x का स्क्वायर अलग होता है, साइन स्क्वायर x अलग होता है, और ये चीज वैसे साइन x के होल स्क्वायर के बराबर होती है, साइन स्क्वायर जब आप लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, साइन का एक्स लिया पहले और उसका फिर होल स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है कि साइन का एक्स लिया फिर स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब क्या होता है एक्स का स्क्वायर पहले किया, तो अपन इस फंक्शन को सॉल्व करना देख लेते हैं, इस फंक्शन को भी सॉल्व करना देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है देखो, साइन का साइन एक्स का स्क्वायर का तो अपन को पता नहीं है, साइन के एक्स स्क्वायर का तो अपन को पता नहीं है, तो एक बार ये फंक्शन निकाल लेते हैं, पहले अपन इसको मान लेते हैं वाई, इसको डीवाई अपॉन डीएक्स कर लेते हैं, डीवाई अपॉन डीएक्स क्या होगा ये अपन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को कौन सा फंक्शन दिखा, साइन दिखा, साइन ऑफ समथिंग दिखा, तो इसको लिख लो पहले तो डी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स, अब ये समथिंग और ये सम अदर थिंग है, तो अपन क्या कर देंगे इस समथिंग वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये पूरी चीज क्या बन गई, देखो डी ऑफ साइन ऑफ समथिंग अपॉन डी ऑफ समथिंग, d of sin of something upon d of something, अब ये something something same है, ये x square है, d of sin of something upon d of something that will become cos of something, that will become cos of something, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, d of sin of something upon d of something is equal to cos of something, d of sin of something upon d of something is equal to cos of something, d of sin of something upon d of something is equal to cos of something, d of sin of something upon d of something is equal to cos of something,
डीएक्स स्क्वायर अपॉन डीएक्स, अब जब डीएक्स स्क्वायर अपॉन डीएक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया इसका, 2x इनटू cos x इनटू cos x का स्क्वायर। इसको चेन रूल बोलते हैं बेसिकली। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि साइन के अंदर अगर कुछ मान के चलते, इसको शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट है ना, तो चेन की तरह चलो, मतलब साइन सबसे पहले दिखा तो साइन के अंदर जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, कॉस आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाली चीज एज इट इज इनटू अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया, साइन के अंदर कुछ भी है उस साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस हो गया, अंदर की चीज एज इट इज, फिर अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया। तो ऐसे करते हैं इसको चेन रूल, मतलब सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, अंदर वाली चीज को ऐसे रहने दो, फिर अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करो, उसके अंदर वाली चीज को ऐसे रहने दो, तो इसके अंदर अपन कितना भी फंक्शन डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब किसी चीज का स्क्वायर दे रखा है तुमको एक तरह से, ये वाई है, तो वाई क्या, किसी चीज का स्क्वायर है, तो किसी चीज का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू वो वाली चीज इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस ऑफ एक्स। समझ में ही बात, ये समझ में नहीं आई होगी, साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स का स्क्वायर है मतलब किसी चीज का स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ट्वाइस इंटू दैट थिंग, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। तो सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले साइन एक्स में दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, किसी चीज का स्क्वायर है, सबसे बाहर क्या है, स्क्वायर, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, किसी चीज का स्क्वायर दिख रहा है अपन को, तो किसी चीज का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 इंटू दैट थिंग इंटू अंदर, अंदर देखा तो क्या पहुंचा अपन को, साइन मिला, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये होता है चेन रूल, इसी को ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने, ये लिखा हुआ है ना, डी y upon dx is equal to dy upon du into du upon dx, वही लिखा हुआ है कि जैसे अगर मैं एक बार ये लिख के बता देता हूँ कि जैसे मान लो मेरे को y है sin of x का स्क्वायर, अपन कर चुके हैं वैसे, तो d of sin of x square upon dx को इन्होंने लिखा हुआ है, एक नया फंक्शन लेके आए du, u क्या है, एक्चुअली x square है, अपन को बताया, तो d of sin of x square upon d of x square into d of x square upon d of x, उसी को मैं इस तरफ लिख रहा था ऐसे, है ना, तो देखो इसका ये समथिंग समथिंग सेम कर दिया, तो ये कितना आ गया, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इसका कितना आ जाएगा, 2x। तो ये ऐसा अपन करते हैं इसको, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। तो ये फंडा होता है चेन रूल का, ये फंडा होता है चेन रूल का, ठीक है, ये फंडा होता है चेन रूल का। जैसे मैं एक बार एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मतलब क्यूब है ना, और क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं अपन, जैसे मान लो क्यूब को, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, मैं क्यूब की किसी भी लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब तीनों लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ, डीएल बाई डीटी दे रखा है मेरे को, डीएल बाई डीटी इज इक्वल टू 5 cm/s दे रखा है मेरे को, है ना, और एल दे रखा है मेरे को 10 meters दे रखा है, मतलब 10 meters cube ऑलरेडी है, काफी बड़ा क्यूब है, 10 meters मतलब 3 मंजिल क्यूब है, पूरी बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग का जो लेंथ है वो 5 cm, जैसे हीट हो रही मतलब मान लो गर्मी पड़ गई, तो गर्मी पड़ गई तो एक्सपेंशन हो गया, तो 5 cm/s के हिसाब से, या फिर पर आवर मान लो 5 cm/s के हिसाब से उसका जो है लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे निकालना है उसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज होगा, तो या तो मैं ऐसे निकाल लूँ कि 1 सेकंड पहले वॉल्यूम लिखूँ, फिर 1 सेकंड बाद की वॉल्यूम में हल्का हल्का ऐड कर दूँ ऐसे, मुझे क्या निकालना है, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मुझको क्या निकालना है, डीवी अपॉन डीटी निकालना है, डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, ऐसे प्रॉब्लम है इसके अंदर पीछे दे रखे हैं, बट एक्चुअली कहने का मतलब ये कि ऐसे सारे प्रॉब्लम उन्होंने इस फॉर्मुले के अंदर करा दी है, जो मैं लेक्चर ले रहा हूं अभी उसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है, ठीक है ना, इसमें नहीं है मतलब, तो मैं क्या करूंगा, डीवी अपॉन डीटी निकालना है मेरे को, वी किसका फंक्शन है, वी तो एल का फंक्शन है ना, वी किसका फंक्शन है, एल का, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डीवी अपॉन डीटी निकालना है, ठीक है वहां तक, बट वी तो एल का फंक्शन है, तो मैं इसको केवल l से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ये कितना बन रहा है, डी ऑफ एल क्यू अपॉन डी टी बन रहा है, बट मेरे को डी ऑफ एल क्यू अपॉन डी टी तो पता ही नहीं, मेरे को डी एल क्यू अपॉन डी एल पता है, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटू डी एल अपॉन डी एल कर दूंगा, तो ये चीज क्या बन गई अपनी, ये चीज तो बन गई 3l² इंटू डी एल बाई डी टी हो गया, अब ये पता है तुमको, ये पता है तुमको, तो तुम्हारा डी वी अपॉन डी टी भी आंसर आ जाएगा, ये करेंगे अपन प्रॉब्लम्स आगे करेंगे, मैं क्या करूँ इसके अंदर कुछ दे नहीं रखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसलिए बोलता हूँ एससीवी में एग्जाम्पल्स कम है, कंसेप्ट्स कम है, बट ठीक है, कम से कम एक वो है कि ये बुक कभी चेंज नहीं हो रही, इसका फ्लो वही बना हुआ है, तो उस हिसाब से अगर एससीवी के हिसाब से हम चलते हैं उसके हिसाब से समझ समझ के, अभी खुद से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, मतलब क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसका एप्लीकेशन, कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये है, इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा है, तो लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है और मैं ज़्यादा पकाना नहीं चाहता, इसलिए एक काम करेंगे, इसी को अपन कंटिन्यू कर लेंगे वापस से, ये मैं खत्म कर देता हूँ, ex into sin x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सिंपल है, y is equal to e की पावर x into sin x है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, dy upon dx क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ex का डिफरेंस ex कॉमन आ गया, cos x अपॉन cos x plus sin x इसका आंसर आ गया। तो मैं अब तुमको है ना ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया है, इसलिए अपन क्या करेंगे इस केस के अंदर कि मैक्सिमा मिनिमा एक और फंडा होता है जो काम का होता है थोड़ा फिजिक्स में, एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमम काम का होता है, इंटीग्रेशन भी काम काफी ये पूरा काम का है एक्चुअली। तो अपन क्या करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमम से चालू करेंगे और फिर वापस से अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब जो मैं बता रहा हूँ तुमको क्या क्या है वो सब मैं समझा दूंगा तुमको और है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम को लंबा कर देंगे थोड़ा सा और पढ़ा दूंगा, फिर इंटीग्रेशन है, फिर एरर्स है, मेजरमेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। और कमेंट्स लिखते रहो यार लेक्चर कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ कि नहीं। एक्चुअली यूट्यूब में दोनों ऑप्शन होते हैं ना, स्लो करने का भी ऑप्शन होता है, फास्ट करने का भी ऑप्शन होता है। तो एक्चुअली बच्चे जो भी करते थे लेक्चर जनरली लेक्चर तुम फास्ट करके देखते हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ पहले 1.5x की स्पीड बोलता हूँ, तुम फास्ट करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है ना, तुम्हारा कितना भला कर देगा तुम्हारा, तुमको फास्ट करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ बच्चे होंगे जिनको स्लो करने की जरूरत जरूर पड़ जाएगी, स्लो कर लेना। एक और चीज, 11th क्लास टू एनसीईआरटी उसके अंदर ये सब चीजें नहीं है एक्चुअली। तो फिजिक्स वालों को सबसे दिक्कत ये होती है शुरू में पढ़ाने में कि वो एक महीने तक मैथ्स ही पढ़ाते रहते हैं, जैसे अपना वेक्टर्स है, कैलकुलस है, ये लेक्चर शायद 15 घंटे जाएगा टोटल, मतलब मैं इससे पहले 3 लेक्चर बना चुका हूँ, 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 4th घंटा है, अभी अपनी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद अभी एक मैक्सिमम मिनिमम जाएगा 5 घंटे, एक इंटीग्रेशन जाएगा 6 घंटे, एक एरर्स जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स जाएगा, 7 घंटे में थ्योरी कंप्लीट होगी। उस थ्योरी में भी एग्जाम्पल्स अपन नहीं दिए अभी, तो एक्सरसाइज होगी फिर 8 घंटे, फिर एक वो है क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर जिसमें कंसेप्ट पूछते हैं काफी, तो 9 घंटे, ऑब्जेक्टिव 1 प्लस ऑब्जेक्टिव 2 मान लो 10 घंटे, फिर एक्सरसाइज कर लो पूरी, एक्सरसाइज को 2 पार्ट में अपन विभाजित कर देंगे, 35 क्वेश्चन है उसको 35-40 है, तो 12 घंटे का टॉपिक है पूरा। और 12 घंटे का मतलब है जो मैं वन एंड पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम क्लास में होते तो ये 12 घंटे समझ लो 20 घंटे लगते इसको पढ़ाने में, 1.5 टाइम्स लगता है, लगता है 18 घंटे लगते हैं। तो ऐसे ही होता है जो वेक्टर्स होता है वो हम लगभग 3 लेक्चर्स को खत्म करते हैं, 3-3 घंटे के, 9-10 घंटे में, 10 घंटे में खत्म करते हैं, और जो कैलकुलस होता है वो भी हम 12 घंटे के आसपास, मतलब लगभग टोटल जो है 24 घंटे में खत्म करते हैं, मैं इसको 12 घंटे में खत्म कर रहा हूँ। तो क्लास का आधा ही होगा बिकॉज मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, काम करने को देता हूँ, अभी तुमको दे दिया वो सब, तो प्रैक्टिस तुमको खुद से करनी है, एक्सरसाइज अपन कर लेंगे, चलो जो भी है मैं आपको करता रहूँगा, मेरे अंदर बहुत एनर्जी रहती है, मैं बोलते रहता हूँ। तो इसलिए क्लास में पढ़ाने में भी दिक्कत होती थी कभी कभी, थोड़ी दिक्कत नहीं मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि उसको कंट्रोल करना पड़ता है मुझको, क्लास में ऐसे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है स्लोप ये ऐसा हो जाएगा, बच्चे बोलते हैं यस सर, फिर मैं बोलता हूँ ये वाला स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ऑब्ट्यूस है, बच्चे बोलते हैं यस सर, तो वो तो यस सर नहीं आ रहा मेरे को, वो दिक्कत नहीं है, बट ठीक है तुम पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये फिजिक्स की शुरुआत की अपन ने, और फिजिक्स बहुत डीप है बट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ी कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि अगर तुम चीज़ों को समझ लग जाओगे बाकी अच्छे से तो मज़ा आएगा, और मैं फिजिक्स इसलिए पढ़ाता हूँ मुझे मज़ा आता है काफ़ी, और तुम भी मजे करो थोड़े थोड़े मेरे साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।